अच्छा जी, आज हम आपको बॉडी मेजरमेंट के तरीके समझा रहे हैं कि हाउ टू मेजर द बॉडी। उसमें आप एक चीज को देखें कि हर डिफरेंट टाइप्स की बॉडी होती है। एक देखें, एक आपको हम दिखा रहे हैं, एक इस टाइप की बॉडी है। इस लड़के का देखें, चेस्ट इस लिटिल बिट हाई और इसके शोल्डर्स बिल्कुल कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन इसका जरा चेस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है। तो दिस इज वन। और अब हम आपको एक नेक्स्ट टाइप की बॉडी दिखाते हैं। देखें जी, ये एक दूसरी तरह की बॉडी है। इस लड़के को अगर आप देख रहे हैं कि इसका शोल्डर स्लोप में है, इसका एक शोल्डर हल्का सा डाउन है और एक हल्का हल्का सा अप है, और चेस्ट इसका बिल्कुल नॉर्मल है। बॉडी अलग अलग तरह की होती है, कुछ हाई शोल्डर्स होते हैं, कुछ लो शोल्डर्स होते हैं, कोई स्लोप शोल्डर्स होते हैं। अब मैं आपको इसके मेजरमेंट लेने के तरीके समझाता हूँ, हाउ टू टेक द बॉडी मेजरमेंट। आप सबसे पहले देखें कि सबके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। ये आपके सामने जो बॉडी है, आपको महसूस हो रहा होगा इसके शोल्डर देखें, इट्स स्लाइटली स्लोप, और स्लोप के साथ ये चेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो देखें कि चेस्ट इसका अंदर की तरफ है, इसका चेस्ट बाहर की तरफ निकला है। तो आपको सबसे पहले जो है बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ ज़रा नोटिस करके हमें बताना होता है। और अब मैं अगर मेजरमेंट करना शुरू करता हूँ तो आप ये देखें कि मैं इसको फ्रॉम द शोल्डर से लेके घुटने तक, नी से हम लेके जाते हैं, तो ये घुटने के नीचे ये 45 इंच ये आ रहा है, ठीक है। और हम अगर इनका प्रिंस कोट लेते हैं तो प्रिंस कोट हम करेंगे 31, और अगर हम इनका वेस्ट कोट लेंगे तो वेस्ट कोट लेंगे हम 29। तो ये आपको हमने तीनों वेरिएशन बता दी कि इसको किस तरीके से नापा जाता है, ठीक है जी। और इसमें ये देखेंगे 29 ये आ रहा है इसका, फिर मैं जा रहा हूँ 31, और ये जा रहा है 45, ठीक है। चलें जी, इस वक्त हम आपको चेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। मेजरिंग फ्रॉम द बैक साइड हम अपर चेस्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं टेप को। तो अपर चेस्ट ये देखें, मैं टेप किस तरह घुमा रहा हूँ, और अपर चेस्ट पे मैं इसको लेकर गया तो इट्स कमिंग 36। अपर चेस्ट में और लोअर चेस्ट में फ़र्क होता है। अक्सर लोग गलती करते हैं कि हमें चेस्ट नीचे से नाप देते हैं। देखें, लोअर चेस्ट इसका 34 आ रहा है, तो जब चेस्ट की मेजरमेंट गलत होती है तो पूरी शेरवानी फिटिंग इसकी टाइट हो जाती है, आर्म होल की कटिंग में फ़र्क आ जाता है। तो मेक श्योर कि हमें आप चेस्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से लेके दें। तो ये 36 मैंने आपको देखें, ये अपर चेस्ट है और ये लोअर चेस्ट है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, टमी पर आइए। टमी अगर मैं इनकी मेजर कर रहा हूँ तो हिज टमी इज़ कमिंग 31। वी नीड टमी फॉर शेरवानी और फॉर शलवार कुर्ता, हमें वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट इनकी बेशक 29 की होगी, वेस्ट नीचे से नापी जाती है, टमी बीच से। अच्छा, हिप की तरफ आते हैं। मेक श्योर कि पीछे कोई वॉलेट ना हो, कोई सामान ना हो, कोई चीज़ें ना हो, पैर जो है ना इनका इस तरह मिला हो। तो अगर हम इनकी हिप नापते हैं तो हिप इज़ कमिंग 38, ठीक है। कोई पीछे वॉलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से मेजर किया। हिप से भी हम क्लियर हो गए हैं, और अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। वो जाते हैं शोल्डर पे। शोल्डर देखें, शोल्डर आप एज टू एज लेंगे। एज पे अगर हम शोल्डर इसका रखते हैं तो इट्स कमिंग 18 राइट नाउ, ठीक है। 18 इनका हमने शोल्डर नापा, और शोल्डर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लोप का खास ख्याल रखना है। फिर इसी को हमने कंटिन्यू करते हुए, फिर यहाँ हमने शोल्डर ख़त्म किया था, वहाँ से करने के बाद एल्बो देखें इनका स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, ताकि इनकी स्लीव में फ़र्क आ जाए। लोग अक्सर हाथ फोल्ड करके खड़े होते हैं जिससे स्लीव सही मेजर नहीं हो पाती। जैसे इनकी मैं मेजर कर रहा हूँ, इट्स कमिंग 24। ये तरीका है स्लीव का। स्लीव के बाद हम अगले पोर्शन पे आते हैं, विच इज़ कॉलर। कॉलर बेशक इनकी शर्ट कॉलर 15 होगा, लेकिन जब हम शेरवानी के लिए कॉलर रखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखते हैं, ताकि थोड़ा रूम स्पेस होना चाहिए और एम्ब्रॉयडरी भी होती है। तो कॉलर इसका 16 हम कहेंगे, रेडी कॉलर जो इनके साइज़ का आएगा। अच्छा जी, इसके बाद वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। आपको हमने तीनों सारी चीज़ें इसकी दिखा दी हैं। अब हम जा रहे हैं पजामे की तरफ। पजामा इसका मेजर करते हैं फ्रॉम टॉप टू, जहाँ बांधते हैं वहाँ से लेके नीचे तक, इट्स गोइंग 41। फिर उसके बाद हमारा हेड साइज़ है। हेड साइज़ के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड इज़ इम्पॉर्टेंट। कान के ज़रा सा ऊपर से करके हेड सर्कमफ्रेंस इसकी नाप लीजिए। तो इनका हेड साइज़ जो है वो 22.5 इंच का है, जो कि हम आपको पिक्चर में दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन आइडिया के हेड साइज़ इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ गए होंगे, और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर फॉर मेजरमेंट। थैंक यू जी।